हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे भिंडी की सूखी सब्ज़ी, बहुत ही मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी, हर बार की तरह वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। दो कड़छी मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और ये मैंने तीन चार बड़े साइज़ के प्याज से उन्हें धोकर मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया था। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। साथ ही मैं डाल दूँगी तीन चार हरी मिर्ची, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालनी चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। ये देखिए प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है। अभी हमें इसे और डार्क करना है थोड़ा सा, तभी हमारी जो रेसिपी है अच्छी बनकर तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, जितना स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। एक चम्मच डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच हल्दी पाउडर। बेसिक से ही मसाले जो हम डेली यूज़ में लाते हैं वही मैंने मसाले ऐड किए हैं, मैंने ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड किए हैं इसके ऊपर। और देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी हल्दी का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और जो हमारे प्याज है वो भी अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा ऑयल रिलीज होने लग गया है, या कि हमारा जो मसाला है अब परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है और प्याज का कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी भिंडी। भिंडी को मैंने पहले ही दो घंटे धोकर रख दिया था। दो घंटे पहले मैंने धोकर रख कर जब भिंडी सूख गई थी तो इस तरह से मैंने कट करके पहले से ही रख ली थी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने थोड़ी भिंडी डाली है, ये पूरी एक किलो भिंडी है, अभी मैंने थोड़ी सी डाली है। अगर इकट्ठी डाल देंगे तो जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। थोड़ी सी मिक्स करके फिर हम बाकी की बस्ती भिंडी इसके अंदर डाल देंगे। अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले के साथ भिंडी मिक्स हो जाए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम ही रखा हुआ है अभी तक। देखिए मसाले के साथ भिंडी जो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। ऊपर नीचे करके हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मेरी जो कढ़ाई है थोड़ी सी छोटी है। अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया है फ्लेम को, बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे। बीच में से एक बार इस तरह से चला देंगे 5 मिनट के बाद। हमें ध्यान रहे कि हमें इसे ढकना नहीं है, अगर हम ढक देंगे तो उसमें से जो पानी टपकता है वो भिंडी के अंदर चला जाता है और भिंडी लेस छोड़ना स्टार्ट कर देती है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसे हमें बिल्कुल भी ढकना नहीं है। भिंडी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मसालेदार भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकर आएंगे इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़, तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। बाय बाय।